हेलो फ्रेंड्स, एज यू नो आई एम अनिरुद्ध कुमार शुक्ला एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईक्यू स्टडी। स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट लेक्चर नंबर 16। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। दिस इज रिलेटेड फ्रॉम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो बच्चों, आज हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लेक्चर नंबर 16 लेके आए हुए हैं। और इस लेक्चर नंबर 16 में हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में। तो आप अच्छे से वीडियो को वॉच करते रहिए, और जो बच्चे सब्सक्राइब ना किए हों लोग सब्सक्राइब भी कर लें। थोड़ा सा भाई हमें हेल्प मिलेगी आपकी, जब आपकी वजह से, तो उसके लिए आपको थैंक यू। और जो लोग नहीं किए हैं उनके लिए भी भाई ठीक है। तो बच्चों, आपसे निवेदन है कि आप लोग वीडियो को पहले देखो। कुछ बच्चे ऐसे हैं आगे पीछे, वीडियो को लगातार देखा करो, पूरा देखा करो। जब तक वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे समझ में नहीं आएगा। तो वीडियो को कंटिन्यूसली लगातार पहले देखा करो, तब फिर जब वीडियो को मैं पढ़ाता हूँ बीच बीच में पॉज करके नोट्स बना लिया करो। ओके, सो स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। तो हम बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती क्या है? तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है बेटा? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एक ऐसी सीरीज ऑफ एलिमेंट है ग्रुप ऑफ एलिमेंट है, जिसमें एलिमेंट को हम वीक फील्ड से स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड के रूप में अरेंज करते हैं। और इस सीरीज में, इस स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में केवल नॉन मेटल कंपोनेंट को ही लिखा जाता है। अच्छा, एक बात और है, कहने का सेंस ये है कि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एक ऐसी सीरीज है जिसमें हम लोग क्या वर्क करते हैं, ध्यान समझिए बेटा। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एक ऐसी सीरीज है जिसमें हम लिगेंड को एक सही क्रम में अरेंज करते हैं। लिगेंड होते क्या है? लिगेंड एक नॉन मेटल से बना हुआ कोई एलिमेंट है, या कोई आयन है, या कोई ग्रुप है, ठीक है, नॉन मेटल से बना हुआ। तो एक ऐसी सीरीज है ये जिसमें हम लिगेंड को अरेंज करते हैं। कैसे करते हैं? पहले वीक फील्ड लिगेंड, फिर उससे थोड़ा सा ज़्यादा और हल्का स्ट्रांग, फिर उससे स्ट्रांग, फिर इससे स्ट्रांग, फिर इससे स्ट्रांग, फिर इससे, मतलब कहने का सेंस है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिगेंड को अरेंज किया जाता है। पहले वीक फील्ड वाले होंगे, उसके बाद फिर स्ट्रांग फील्ड वाले होते चले जाएंगे। तो यही सीरीज कहलाती है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो चलिए, इस सीरीज के बारे में हम और कुछ देखते हैं। आप लोग देख रहे हैं, हेडिंग लिखिएगा स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। आगे डिफिनेशन है इसकी, दिस अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड इन ऑर्डर ऑफ दियर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। इसी को शॉर्ट फॉर्म में हमने लिखा है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को। देखो, सी से क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का सिंबल है डेल्टा नॉट। क्या नाम बेटा? डेल्टा नॉट, ठीक है। तो देखिएगा, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की डेफिनेशन में फिर से रिपीट कर रहा हूँ, दिस अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स इन ऑर्डर ऑफ देयर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी वैल्यूज इज नोन एज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। सो स्टूडेंट्स, आई रिपीट अगेन अबाउट डेफिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, दिस अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड इन ऑर्डर ऑफ देयर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी वैल्यूज इज नोन एज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है। तो ये तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की डेफिनेशन हुई। इसके बाद अब हम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कितने लिगेंड आते हैं, उनको बाई ट्रिक हम कैसे याद करेंगे, वो मैं आपको सिखाने चल रहा हूँ। तो देखिएगा, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आप एक ट्रिक याद कर लो, आई बर्बादी सनी क्लास से फरार, ओ ऑक्सीलेटो पानी, सुनो ईडीटीए अमोनिया आर इन कनाडा एंड कोलंबो। अगर बेटा ये ट्रिक याद हो गई कि जितने भी एलिमेंट हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, जितने भी आते हैं आपको सब याद हो जाएगा। थोड़ा सा केयर करना है। तो देखिएगा, आप ट्रिक फिर से याद करेंगे, आई बर्बादी सनी क्लास से फरार, ओह ऑक्सीलेटो पानी, सुनो ईडीटीए अमोनिया आर इन कनाडा एंड कोलंबो।
तो ट्रिक देख लीजिए, आई से आई माइनस, आई से आयोडीन, बर्बादी से ब्रोमीन, सनी, सा से देखो सा से सल्फर, नी साइनाइड, सनी, क्लास से क्लोरीन, से सल्फर, फरा से एफ माइनस, ये आयन के फॉर्म में लिखे गए हैं लिगेंड। जो न्यूट्रल है वो न्यूट्रल है, जो न्यूट्रल नहीं है उनको आयन के चार्ज के फॉर्म में लिखा गया है। से सल्फर टू माइनस, फरा से फ्लोरीन माइनस, ओ से ओ एच माइनस, ऑक्सीलेटर से ऑक्सीलेटर सी टू ओ फोर टू माइनस, पानी एच टू ओ पानी, यस सी एल, सुनो इडीटीए इडीटीए, अमोनिया एन एस थ्री, इन इन कनाडा सी एल, कोलम्बो सी ओ। तो बच्चों समझ में आ गया होगा कि ये जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, ये जो क्रिस्टल फील्ड सॉरी ये जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखिए ग्रुप ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट कई एलिमेंट नोट किए गए हैं, पहले वीक फील्ड लिगेंड, थोड़ा उससे स्ट्रांग, थोड़ा उससे स्ट्रांग, थोड़ा उससे स्ट्रांग, थोड़ा उससे, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वीक फील्ड लिगेंड से, जो लिगेंड वीक फील्ड है जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे उनकी स्ट्रांगनेस बढ़ती जाती है, कहने का मतलब वो स्ट्रांग फील्ड की तरफ बढ़ते जाते हैं। और एक समय ऐसा आता है कि सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं, तो सबसे वीक फील्ड लिगेंड होता है आयोडीन, सबसे वीक, कोई अगर पूछता है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे वीक फील्ड लिगेंड कौन है तो आयोडीन, अब पूरे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे स्ट्रांग फील्ड लिगेंड होता है कोबाल्ट, सॉरी कार्बोनिल होना चाहिए आई थिंक, यहाँ कोबाल्ट नहीं कार्बोनिल होगा, सीओ, सीओ से होगा कार्बोनिल। ध्यान देना है सीओ कार्बोनिल। तो बेटा ये ट्रिक आप फिर से एक बार देखें, आई बर्बादी, सनी क्लास से फरार, ओ ऑक्सीलेटो पानी, सुनो एडीटीए अमोनिया, आर इन कनाडा एंड कोलम्बो, बहुत सिंपल है। अभी याद कर लो आई बर्बादी सनी क्लास से फरार, देखो आई से आयोडीन, बर्बादी से ब्रोमीन, सनी से सी एस सी एन, क्लास से सी एल, से सल्फर, फरार से एफ फ्लोरीन, ओ से ओ एच, ऑक्सीलेटो से सी टू ओ फोर, पानी एच टू ओ, ठीक है सुनो एस सी एल, EDTA EDTA अमोनिया एन एस थ्री, इन इन कनाडा से यन, कोलम्बो से कोबाल्ट कार्बोनिल। तो ये आपका जो है ये सारे जितने भी लिगेंड हैं इसमें जितना भी लिगेंड आप देख रहे हैं ये सारे लिगेंड हमारे वीक फील्ड से स्ट्रांग फील्ड की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिएगा यहाँ से जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे इतने को थोड़ा सा वीक फील्ड के लिगेंड माना जाएगा, और यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो इनको थोड़ा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ज़्यादा माना जाता है। ज़्यादा माने का मतलब यह है बेटा जब आप न्यूमेरिकल या क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो वीक फील्ड स्ट्रॉन्ग फील्ड की बड़ी दिक्कत होती है, तो आप रट लो यहाँ कोबाल्ट से लेकर, या यहाँ से देखो EDTA या CN से लेकर कोबाल्ट, सॉरी कोबाल्ट बार बार मैं कह रहा हूँ, सॉरी ये कार्बोनिल है बेटा, कोबाल्ट में अंतर है दोनों में, अगर कैपिटल सी स्मॉल ओ है तो कोबाल्ट है और कैपिटल सी कैपिटल ओ है तो कार्बोनिल है, तो यहाँ कार्बोनिल है भाई, ये हमसे मिस्टेक हो जाता है, ध्यान दीजिए कार्बोनिल से लेकर यहाँ तक सब स्ट्रॉन्ग फील्ड में ज़्यादा आते हैं और ये सब वीक फील्ड में ज़्यादा आते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको केयर करना है, वैसे अगर आप सही से देखोगे तो ये सबसे ज़्यादा वीक फील्ड, उससे थोड़ा स्ट्रॉन्ग, उससे थोड़ा स्ट्रॉन्ग, और सबसे स्ट्रॉन्ग कार्बोनिल है। तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड लिगेंड है। अब इसमें देख लीजिएगा कौन न्यूट्रल लिगेंड होते हैं, जैसे H2O है, ये एक न्यूट्रल लिगेंड है, क्या है ये न्यूट्रल लिगेंड है, ये एक न्यूट्रल लिगेंड है, कार्बोनिल एक न्यूट्रल लिगेंड है, EN एक न्यूट्रल लिगेंड है, अच्छा NH3 भी एक न्यूट्रल लिगेंड है, ठीक है बस इतना इसमें दिख रहा है, हाँ ठीक है, और H2O हो गया, ठीक है बस इतना न्यूट्रल लिगेंड है, और सभी न्यूट्रल लिगेंड की जो बैलेंसी होती है, न्यूट्रल लिगेंड की बैलेंसी बेटा हमेशा जीरो के बराबर होती है। तो ठीक है आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। तो बच्चों ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, आप इसको जल्दी से नोट करें, इसके बाद हम आगे चलते हैं, जल्दी से वीडियो को पॉज करें, नोट करें, पॉज करें, नोट करें, जल्दी से पॉज करके नोट करें। ओके बच्चों, तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि टाइप ऑफ लिगेंड, लिगेंड मेनली टू टाइप में होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एंड वीक फील्ड लिगेंड। तो अभी मैं आपको जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अभी बनाया था बेटा, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आपने ध्यान से देखा होगा
उसमें से कहाँ से मैं इंडिकेट किया था, कहाँ से स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, कहाँ से वीक फील्ड लिगेंड है, ठीक है। तो ध्यान दिया करो भाई, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को ध्यान दो। जैसे कि अभी मैं बताया था, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है, आई बर्बादी सनी क्लास से फरार थे, जल्दी लिखो, आई बर्बादी सनी क्लास से फरार। ध्यान से देखो भाई क्या है, देखो आई बर्बादी से मैंने बताया आई बर्बादी सनी क्लास से फरार हो गया इतना। अब अगला जो ट्रिक है वो है ओ ऑक्सलेटो पानी सुनो, ओ ऑक्सलेटो पानी सुनो, पानी सुनो, ओ ऑक्सलेटो पानी सुनो, हो गया। आगे है EDTA एंड अमोनिया, एंड अमोनिया, EDTA एंड अमोनिया। आगे है बच्चों इसमें आर इन कनाडा एंड कोलंबो, आर इन कनाडा, आर इन कनाडा एंड कोलंबो, लो भैया हो गया। तो बेटा ध्यान से देखो कि अभी हम लोगों ने ट्रिक देखा, आई बर्बादी सनी क्लास से फरार, ओ ऑक्सलेटो पानी सुनो, EDTA एंड अमोनिया, कनाडा एंड कोलंबो, ठीक है। फिर से देख लो भाई, आई बर्बादी सनी क्लास से फरार, ओ ऑक्सलेटो पानी सुनो, EDTA, ध्यान देख रही, EDTA एंड अमोनिया, आर इन कनाडा एंड कोलंबो। तो ये ट्रिक है, ट्रिक से थोड़ा बहुत जल्दी याद हो जाता है भाई, तो आप लोग भी थोड़ा ट्रिक का यूज करो जिससे पूरा स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद हो जाए। तो बेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सब आपके वीक फील्ड लिगेंड में आएंगे, वीक फील्ड लिगेंड, नोट कर लो कहीं पे, नहीं बार बार आपको पहचानने में दिक्कत होगी, कहीं नोट करो इसको, वीक फील्ड लिगेंड, नोट्स में नोट करते रहो। और इतना जो आपको इधर के दिख रहे हैं थोड़ा सा ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आते हैं, तो ये है। तो मैंने अभी आपको पढ़ाया कि लिगेंड टू टाइप में है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड। तो मैं आपको अभी, मैं इसके आगे बहुत सारा न्यूमेरिकल होगा, तो न्यूमेरिकल को पढ़ने से पहले क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आप पढ़ेंगे, अभी आपको सबको पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद होनी चाहिए, तैयार होनी चाहिए और आपको बहुत केयर करना चाहिए, उसको मैं बताने चाहूँगा। बेटा आप स्टार बना लीजिएगा, उसमें लिखिएगा लिगेंड्स आर मेनली इन टू फॉर्म, लिगेंड्स आर मेनली इन टू फॉर्म, फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स एंड सेकेंड इज वीक फील्ड लिगेंड्स। भाई लिगेंड्स मेनली टू फॉर्म में डिवाइड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड, देखो वीक फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हुआ। इसके बाद ध्यान देना है बेटा कि फिर स्टार बनाना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों लाइन, आप बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर अगर आपको ये समझ में आएगा तभी आप न्यूमेरिकल कर पाओगे। ये दोनों लाइन को बहुत केयर करो, इसमें फर्स्ट लाइन है वीक फील्ड लिगेंड्स कैन नॉट कॉज पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब बहुत ध्यान दीजिएगा बेटा, जितने वीक फील्ड लिगेंड हैं वो कैन नॉट कॉज पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब ध्यान दीजिएगा, जितने वीक फील्ड लिगेंड्स हैं बेटा, वीक फील्ड लिगेंड होने के कारण वह इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग नहीं करते हैं, बहुत ध्यान दीजिएगा। ध्यान क्या देना है मैं सिर्फ पूछूंगा, बेटा एक वीक फील्ड लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करेगा नहीं करेगा, तो आपका आंसर होना चाहिए सर वीक फील्ड लिगेंड इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग नहीं करेगा, ऐसे यही चीज मैं बताना चाह रहा हूं। जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है वो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करेगा नहीं करेगा, यस स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कैन कॉज पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो है वो इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग करता है और वीक फील्ड लिगेंड इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग नहीं करता है। अच्छा एक ट्रिक और याद करो, लिगेंड वीक फील्ड है तो स्पिन हाई बनाएगा, लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो स्पिन लो बनाएगा,
मतलब बहुत समझना, ध्यान से थोड़ा सा ध्यान देना है। लिगेंड आपका यदि वीक फील्ड का है तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा, लिगेंड आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा। मतलब ट्रिक याद करो, यदि वीक फील्ड लिगेंड है तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ये ध्यान देना है आपको। तो वही मैं बता रहा हूँ बेटा, वीक फील्ड लिगेंड कैन कॉज, सॉरी वीक फील्ड लिगेंड्स कैन नॉट कॉज पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट मीन्स वीक फील्ड लिगेंड की वजह से वीक फील्ड लिगेंड इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग नहीं कर सकते हैं। वीक फील्ड लिगेंड होने के कारण, जो लिगेंड वीक फील्ड है वो वीक फील्ड लिगेंड होने के कारण इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग नहीं कर सकते हैं और बनाते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। और क्या फॉर्म करते हैं? हाई स्पिन। इट मींस वीक फील्ड लिगेंड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग नहीं करते हैं। ये ट्रिक आपको ये बहुत ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अगला है बेटा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कैन कॉज पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिगेंड हमेशा इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग कर सकते हैं, करते हैं और बनाते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर देते हैं। बहुत ध्यान दीजिए, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कैन कॉज पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। इसका मतलब बेटा, जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है वो इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग करते हैं और इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग करके लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस यह है कि वीक फील्ड लिगेंड इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग नहीं कर सकते हैं, जो वीक फील्ड लिगेंड है इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो फॉर्म करते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हाई स्पिन। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है वह इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग करते हैं, कर सकते हैं और फॉर्म करते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। बहुत सिंपल ट्रिक से देखिए, वीक फील्ड लिगेंड कैन कॉज पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन सो विच फॉर्म हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कैन कॉज, अंतर दोनों में इतना है, वीक फील्ड लिगेंड कैन नॉट कॉज पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो वीक फील्ड लिगेंड है ये इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग नहीं कर सकते हैं और इसीलिए फॉर्म करते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। उसी का उल्टा स्ट्रॉन्ग फील्ड में है भाई, जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इस स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने के कारण ये इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग कर सकता है और फॉर्म कर देता है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ से यहाँ तक वीक फील्ड, यहाँ से यहाँ तक स्ट्रॉन्ग फील्ड। तो बेटा आपको समझ में आ गया होगा, क्या समझ में आया? वीक फील्ड लिगेंड कैन नॉट कॉज पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो वीक फील्ड लिगेंड होते हैं वो इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग नहीं करते हैं और इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग नहीं करेंगे तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बना देंगे। क्या बना देंगे? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। लेकिन बेटा जो आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हैं वह इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग कर सकते हैं, भाई वीक फील्ड लिगेंड इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग कर सकते हैं, इसीलिए लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। तो बच्चों आई होप आपको समझ में आया, आया हो तो वीडियो को पॉज करें, जल्दी से नोट करें, हम चलते हैं आगे। इसके बाद जल्दी से पॉज करके नोट करें। ओके बच्चों, तो जैसे कि हमने अभी खूब अच्छे से पढ़ लिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड, और हमने अभी पढ़ा कि अभी आपने देखा बहुत अच्छे से कि जो वीक फील्ड लिगेंड होते हैं वो इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग नहीं कर सकते हैं और फॉर्म करेंगे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, और जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है वो इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग कर सकते हैं और फॉर्म करते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। सो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम चल रहे हैं, देखिए हम लोगों ने शुरू में बर्नर थ्योरी को पढ़ा था, तो अब हम जो थोड़ा सा मैं आपको बताने चल रहा हूँ, बर्नर थ्योरी साहब, मतलब कहने का सेंस ये है कि जो अल्फ्रेड बर्नर साहब थे उन्होंने जो थ्योरी को दिया था, ठीक है, तो थ्योरी तो दिया था ठीक है, लेकिन उनके थ्योरी में कुछ न कुछ ड्रॉबैक थी और उनसे कुछ क्वेश्चन पूछा गया जिसका वो सही फैक्ट आंसर नहीं दे पाए, जिसकी वजह से उनकी थ्योरी में कुछ न कुछ लिमिटेशन आ गई, जिसको हम कहेंगे लिमिटेशन ऑफ बर्नर थ्योरी। तो बात समझिए बच्चों, हम लोगों ने शुरू में बर्नर थ्योरी पढ़ा था, बर्नर साहब ने ही बताया था, साइंटिस्ट अल्फ्रेड बर्नर ने ही बताया था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कौन सा प्राइमरी बैलेंसी होता, कौन सा सेकेंडरी बैलेंसी, प्राइमरी बैलेंसी आयोनाइजेबल होता है, सेकेंडरी बैलेंसी नॉन आयोनाइजेबल होता है, बहुत सारे चीज़ों को हमें साइंटिस्ट अल्फ्रेड बर्नर ने बताया। लेकिन उनसे बाद में कुछ क्वेश्चन पूछा गया जिसका वो सही से आंसर नहीं दे पाए, इसलिए उनके थ्योरी में लिमिटेशन आई, ड्रॉबैक आई। तो बच्चों आप लोग चलिए हम लोग वहीं हेडिंग लगाएंगे, लिमिटेशन ऑफ बर्नर थ्योरी। तो आप हेडिंग नोट करेंगे लिमिटेशन ऑफ बर्नर थ्योरी, इसका मतलब बेटा बर्नर थ्योरी में
क्या कमियां थी, क्या लिमिटेशन था। तो हेडिंग नोट करिएगा, लिमिटेशन ऑफ बर्नर थ्योरी। उसमें आप बेस करके लिखेंगे बर्नर्स, बर्नर्स में साइंटिस्ट बर्नर का पूरा नाम है बच्चों अल्फ्रेड बर्नर। क्या नाम है पूरा? अल्फ्रेड बर्नर। तो आप कहेंगे साइंटिस्ट अल्फ्रेड बर्नर, ठीक है, अल्फ्रेड बर्नर साहब जो थे उनकी जो थ्योरी थी, तो अल्फ्रेड बर्नर थ्योरी या आप कह सकते हैं बर्नर्स थ्योरी वाज एबल टू एक्सप्लेन अ नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इट कुड नॉट आंसर द फॉलोइंग बेसिक क्वेश्चन। बच्चों बात समझिए, बहुत बढ़िया बताया गया है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको सब लोग बच्चे कॉपी में नोट करके बढ़िया से अच्छे से रटे, इससे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो लिमिटेशन ऑफ बर्नर थ्योरी में आप बताएंगे, बर्नर थ्योरी का मतलब साइंटिस्ट अल्फ्रेड बर्नर की जो थ्योरी थी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के ऊपर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के ऊपर साइंटिस्ट अल्फ्रेड बर्नर की जो थ्योरी थी उनके थ्योरी में कुछ न कुछ कमियां थी, उनसे कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछा गया उनके थ्योरी के ऊपर, उसको सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाए, जिसकी वजह से उनसे वो जो एक्सप्लेन नहीं कर पाए वही उनकी ड्रॉबैक हो गई। तो क्या क्वेश्चन इनसे पूछा गया था मैं आपको भी बताऊंगा, लेकिन मैं फिर से एक बार लिमिटेशन ऑफ बर्नर थ्योरी को मैं फिर से मैं रिपीट करना चाह रहा हूँ, आप लोग जल्दी से देखिए। लिमिटेशन ऑफ बर्नर थ्योरी हेडिंग नोट करेंगे, आगे देखेंगे, दिया है साइंटिस्ट अल्फ्रेड बर्नर्स, या ऐसे बोलेंगे आप बर्नर्स थ्योरी वाज एबल टू एक्सप्लेन अ नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कितना बढ़िया बता रहा, कह रहा बेटा कि साइंटिस्ट बर्नर साहब इन्होंने जो थ्योरी को प्रपोज किया उस थ्योरी में इन्होंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बहुत सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन किया, बट ही कुड नॉट एक्सप्लेन, लेकिन वो एक्सप्लेन करने में असफल रह सके द फॉलोइंग बेसिक क्वेश्चंस, कुछ बेसिक क्वेश्चन थे। मतलब इनसे कहने का मतलब साइंटिस्ट अल्फ्रेड बर्नर साहब से कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछा गया जिसके बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाए, वही इनकी ड्रॉबैक हो गई। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सो आई रिपीट अगेन अबाउट लिमिटेशन ऑफ बर्नर थ्योरी। Burner's theory was able to explain a number of properties of the coordination compounds. It could not answer the following basic questions. So first इनसे question क्या put up किया गया था Burner साहब से, first questions जो put up किया गया था, मैं पहले पढ़ रहा हूँ पूरा तीनों। First question is put up from Burner's theory. Why only certain elements form coordination compounds and other not? I repeat again about first. Questions arise from Burner theory. Why only certain elements form coordination compounds and not other? Second, why the coordination sphere or entity has a definite geometry? Why do these compound possess definite magnetic or and optical properties? तो बेटा इनसे क्वेश्चन क्या पुट अप किया गया था, इसे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो पुट अप किया गया था, फर्स्ट क्वेश्चन पहले नंबर पे देखिए, नंबर फर्स्ट ये मैं स्टार लगा रहा हूँ, ये देखिएगा दिया है फर्स्ट पे, व्हाई ओनली सर्टेन एलिमेंट्स, क्यों कुछ एलिमेंट फॉर्म करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड अदर नॉट। इनसे पहला क्वेश्चन पूछा गया, बताइए कि क्यों क्यों क्यों, मतलब आप ऐसे बताइए, इनसे क्वेश्चन पूछा गया बच्चों कि क्यों कुछ सर्टेन एलिमेंट ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को फॉर्म कर सकते थे अदर नहीं कर सकते थे। भाई बहुत सारे एलिमेंट हैं, बहुत सारे लिगेंड के फॉर्म में हैं, क्यों बहुत सारे एलिमेंट लिगेंड के रूप में बिहेव नहीं कर सकते, बहुत सारे लिगेंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को नहीं बना सकते, ठीक है। इस तरीके से इनसे क्वेश्चन पुट अप किया गया और इनसे पूछा गया व्हाई ओनली सर्टेन एलिमेंट, क्यों कुछ ही एलिमेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को फॉर्म कर सकते हैं अदर नॉट, अदर नहीं कर सकते हैं, इसका ये आंसर नहीं दे पाए, इसलिए इनके रूल में पहली ड्रॉबैक आई। दूसरा ऐसे क्वेश्चन पुट अप किया गया, व्हाई द कोऑर्डिनेशन स्फीयर और एंटिटी हैज अ डेफिनेट ज्योमेट्री, क्यों कोऑर्डिनेशन स्फीयर या एंटिटी डेफिनेट ज्योमेट्री रखता है, इसका भी ये कोई आंसर नहीं दे पाए। थर्ड नंबर पे क्वेश्चन पुट अप किया गया बच्चों, व्हाई डू दीज कंपाउंड्स पॉजेस डेफिनेट मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, क्यों Why do these compounds possess definite? अच्छा हाँ, अब इनसे क्वेश्चन पूछा गया कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही है क्यों वही मैग्नेटिक और ऑप्टिकल प्रॉपर्टी को बता सकते हैं अदर नहीं बता सकते, तो इसका भी ये सही से आंसर नहीं दे सके। तो ये इनकी लिमिटेशन थी बच्चों।
आप लिमिटेशन को जल्दी से वीडियो को पॉज करें, अच्छे से नोट करें। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, तो जल्दी से पॉज करके नोट करें, इसके बाद हम आगे चलते हैं। जल्दी नोट करें बच्चों। ओके बच्चों, तो अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट बोर्ड रिलेटेड टॉपिक शुरू कर रहे हैं। इसके पहले भी बहुत बोर्ड इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपको बता चुका हूँ मैं। तो अब हम बेटा, अब मैं आपको बताने चल रहा हूँ, आप यहाँ से नोट करेंगे। देखेंगे दिया है टू आंसर द एबव क्वेश्चन, मतलब समझना है हमको आपको बहुत अच्छे से। देखिए, जो साइंटिस्ट बर्नर साहब बताए, साइंटिस्ट बर्नर साहब के अकॉर्डिंग, आप पहले इतना वीडियो को पॉज करके नोट करें, पहले नोट कर लें तब मैं बताऊंगा, जल्दी नोट करें। तो बेटा देखिए, कुछ चीज़ आपको बहुत ध्यान देना है। ध्यान क्या देना है उसको समझिए पहले। देखिए, साइंटिस्ट अल्फ्रेड बर्नर साहब सबसे पहले ऐसे साइंटिस्ट थे, ऐसे केमिस्ट थे, जिन्होंने सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के ऊपर उन्होंने कुछ बताया। लेकिन उनसे बाद में जब क्वेश्चन पूछा गया तो उस क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाए, जैसे कि अभी मैं आपको बताया था। तो जो भी क्वेश्चन उनसे पूछा गया उसका आंसर नहीं दे पाए। तो बाद में कुछ साइंटिस्ट और आए जिन्होंने कुछ थ्योरी को प्रपोज किया और उस थ्योरी के माध्यम से आंसर दिया गया। ठीक है, तो वही हम लोगों को बताना है, वही यहाँ लिखा गया है टू आंसर द एबव क्वेश्चन। एबव क्वेश्चन का मतलब जो अभी इसके पहले मैं क्वेश्चन लिखा, थ्री क्वेश्चन बर्नर साहब से पूछा गया था उनकी लिमिटेशन में, जो कि आपको अभी भी जस्ट मैं पढ़ाया हूँ। तो थ्री जो क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर नहीं दे पाए, वही ये कह रहा है टू आंसर द एबव क्वेश्चन। जो अभी क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, द डिफरेंट थ्योरीज ऑफ बॉन्डिंग टू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ध्यान सुनिएगा बेटा। अभी जो क्वेश्चन बर्नर साहब से पूछा गया था, थ्री क्वेश्चन, जैसे कि मैं थ्री टर्म में आपको लिख के दिखाया था, तो जो थ्री क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर बर्नर साहब नहीं दे पाए। उसके आंसर को देने के लिए कुछ थ्योरीज और आई, ठीक है, वो उसके बारे में आंसर दी, तो वही हमको आपको पढ़ना। लेकिन इसमें चार थ्योरीज थी, पहले उनका नाम देख लीजिए, कौन कौन थ्योरी थी जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर उन्होंने दिया। कौन कौन थ्योरी थी देखिएगा, फर्स्ट बर्नर साहब के बाद उनकी थ्योरी का आंसर देने के लिए सबसे पहले आए बैलेंस बॉन्ड, मतलब जो पहली थ्योरी आई बर्नर साहब की थ्योरी का आंसर देने के लिए जो क्वेश्चन पुट अप किया गया, तो सबसे पहले जो थ्योरी आई जिसके माध्यम से कुछ आंसर दिया गया उस थ्योरी का नाम है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इस बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं VBT, ठीक है, क्या बोलते हैं VBT मीन्स बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और ये थ्योरी आई थी 1930 में। उसके बाद इसके जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी आएगी, अभी हम लोग पढ़ेंगे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को, इनके थ्योरी में भी कुछ कमियां थी, उस कमी को दूर किया साइंटिस्ट, जो भी साइंटिस्ट थे, याद नहीं है उनका नाम, मैं बाद में बता दूंगा आपको, लेकिन आप इतना जानिए कि उस बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में भी जो कमी थी उसको दूर किया क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने। किसने दूर किया बच्चों? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने। और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है CFT, CFT मीन्स क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। और ये थ्योरी आई थी 1960 में। बाद में टू थ्योरीज और आई, जैसे एक है लिगेंड फील्ड थ्योरी, इसको शॉर्ट फॉर्म में LFP कहते हैं, ये भी 1960 में आई, 1960 में। इसके बाद लास्ट में आई थी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। बच्चों, जो लास्ट में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आई, इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं MOT, मीन्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, और ये भी 1960 में आई। तो कहने का सेंस है कि 1960 में मेन थ्री थ्योरीज आई थी, ठीक है। लेकिन यहाँ मेन बात यह है कि हमें पढ़ना कौन कौन है। बेटा ऐसा है, यहाँ पे फोर थ्योरीज हैं, लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में 12th स्टैंडर्ड में केवल दो थ्योरी को पढ़ना है जो आपके NCERT में दिया हुआ है और बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो ये टू थ्योरीज कौन कौन है ध्यान दीजिए। और एक बात और है, जो बच्चे IIT नीट की तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी अच्छे से देखें। अगर आप अच्छे से देखेंगे तो कोई भी क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से आपका फंसेगा नहीं, ठीक है, ये प्रॉमिस हमारा है, आप देख लीजिएगा। तो बच्चों, हमको आपको मेनली टू थ्योरीज पढ़ना है, ये मैंने स्टार लगा दिया है, आप ध्यान दीजिएगा, स्टार लगा हुआ है, मतलब है फोर थ्योरीज, और बर्नर साहब को लेंगे तो फाइव थ्योरीज होंगी, ठीक है। तो लेकिन यहाँ फोर थ्योरीज में से जो लिखा हुआ है नोट है, फोर थ्योरीज में से हमको आपको केवल टू थ्योरीज को पढ़ना है, ठीक है, यही आपके NCERT दिया हुआ है। और यहाँ देखो, मैंने आगे नोट भी किया है,
ये टू थ्योरीज को पढ़ना है जो इम्पोर्टेंट है फॉर बोर्ड एग्जाम के लिए। तो दो ही पढ़ना हमको आपको है, पढ़ने के लिए चारों देख लो, लेकिन मेन ब्रीफली डिस्कस करना है केवल टू थ्योरीज को। तो यहाँ पे नोट करिएगा, बी सेल ब्रीफली डिस्कस, हमें डिस्कस करना होगा अच्छे से ओनली द फर्स्ट टू थ्योरीज, केवल स्टार्टिंग के दो थ्योरीज को, जिसका नाम है बीबीटी एंड सीएफटी। ठीक है, ये दो थ्योरीज को हमें आपको आपको बहुत ब्रीफली डिस्कस करना है। तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लिए होंगे, नहीं किए होंगे तो पॉज करके नोट करें। इसके बाद हम अब फर्स्ट थ्योरी को नोट करने चलेंगे और उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। जल्दी से पॉज करके इसको नोट कर लें, तब चलते हैं फर्स्ट थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के ऊपर। ओके बच्चों, अब हम पहले सबसे फर्स्ट डिस्कस करने चल रहे हैं बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को। तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को आप हेडिंग नोट करेंगे, क्योंकि मैं बताया हूँ कि चार थ्योरीज हैं, मेनली फोर थ्योरीज हैं, जिसमें हमें मेनली टू ही थ्योरीज को ब्रीफली डिस्कस करना है, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम, अदर थ्योरीज आर नॉट इम्पॉर्टेंट। ओके, तो हम दो थ्योरी को जो बहुत इंपॉर्टेंट उसको चल रहे हैं डिस्कस करने ब्रीफली। पहले के बारे में डिस्कस करेंगे जो फर्स्ट थ्योरी, जिसका नाम है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, वीबीटी। वीबीटी का मतलब बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो ध्यान देना हमको आपको है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को वीबीटी कहते हैं। और बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को दिया था साइंटिस्ट पाउलिंग। पाउलिंग किसने दिया था? पाउलिंग ने। अच्छा सुनते रहो भैया। बेटा मैं ये बता रहा हूँ कि सबसे पहले हमें डिस्कस करना है वीबीटी, इसके बाद क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। दो ही थ्योरी को सही से पढ़ना है। अब हम पहले डिस्कस करेंगे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को, जिसको शॉर्ट फॉर्म में वीबीटी कहते हैं। और बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को दिया था साइंटिस्ट पाउलिंग ने, इसीलिए बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को कहा जाता है पाउलिंग थ्योरी। क्या कहा जाता है बेटा? पाउलिंग थ्योरी। ठीक है, और इस थ्योरी को प्रपोज किया गया था इन 1900 प्रपोज किया गया था 1930। तो चलिए इसके बारे में हम लोग कुछ ब्रीफली डिस्कस करते हैं। इसमें फर्स्ट बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में देखो, फर्स्ट स्टार का मतलब पहला पॉइंट, अच्छे समझते रहो। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को ब्रीफली डिस्कस करने चल रहे हो, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को दिया था साइंटिस्ट पाउलिंग ने। ठीक है, और दिया था इन 1930 में, 1930 में। चलिए इसके बारे में फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, दिया था दिस थ्योरी वॉज डेवलप्ड बाई लाइनस पाउलिंग। तो भैया बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को डेवलप का मतलब, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को दिया था, डेवलप किया था साइंटिस्ट लाइनस पाउलिंग ने। पाउलिंग का पूरा नाम है लाइनस पाउलिंग। तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को प्रपोज किया था साइंटिस्ट लाइनस पाउलिंग ने, इसीलिए बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को कहा जाता है लाइनस पाउलिंग थ्योरी, या लाइनस ना बोलो तो बोल दो पाउलिंग थ्योरी, मतलब साइंटिस्ट पाउलिंग ने दिया था। तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें, दिस थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय लाइनस पाउलिंग इन 1930, 1930 में लाइनस पाउलिंग ने बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को डेवलप किया। इसके बाद सेकंड नंबर पे है, दिस थ्योरी एक्सप्लेन अबाउट मेटल लिगैंड बॉन्ड। तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन करता है मेटल लिगैंड बॉन्ड के बारे में। थर्ड पॉइंट है, दिस थ्योरी एक्सप्लेन अबाउट ज्योमेट्री एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। जो बेटा बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, ये ज्योमेट्री एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में बहुत अच्छे से बताता है। थर्ड मेन थ्री ही पॉइंट है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, मेन थ्री ही पॉइंट है। कौन कौन? फर्स्ट है, दिस थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय लाइनस पाउलिंग इन 1930। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को जो अल्फ्रेड बर्नर साहब की थ्योरी में कमियां थी उसको दूर करने के लिए बैलेंस बॉन्ड थ्योरी आई, और बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को डेवलप किया साइंटिस्ट लाइनस पाउलिंग इन 1930 में। इसके बाद ये है कि आप सेकंड पॉइंट बताएंगे कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन करता है मेटल लिगैंड बॉन्ड के बारे में। आगे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन करता है अबाउट ज्योमेट्री एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे, यहां से देखिएगा, दिया है मेन पॉइंट ऑफ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की मेन पॉइंट हम लोग यहां से पढ़ेंगे, ये तो बेसिक थी समझने के लिए। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की मेन पॉइंट में फर्स्ट नंबर का पॉइंट है, क्या पॉइंट है समझते रहिए। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में मेन पॉइंट में फर्स्ट है सीएमए। सीएमए को कई बार बताया हूं, कहते हैं सेंट्रल मेटल एटम। सीएमए को क्या बोलते हैं बच्चों? सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम लूजेस रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म के टाइम। कह रहा है जो सेंट्रल मेटल एटम है ये एक निश्चित फिक्स, ठीक है, रूल के अकॉर्डिंग सेंट्रल मेटल एटम लूज करता है एक निश्चित, ठीक है, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को और बनाता है केटायन को। क्या बना देता है? मेटल केटायन बना देता है। फॉर एग्जांपल जैसे
दिया है सेंट्रल मेटल, देखो ये स्क्वायर ब्रैकेट है, ये सेंट्रल मेटल एटम, ये लिगैंड है और ये भी लिगैंड है, लेकिन जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर का लिगैंड है ये प्राइमरी वैलेंसी का लिगैंड और ये सेकेंडरी वैलेंसी का लिगैंड। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट बर्नर, बर्नर साहब ने बताया था कि स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर का जो लिगैंड है वो प्राइमरी वैलेंसी का लिगैंड है, अंदर का लिगैंड आपका जो है सेकेंडरी वैलेंसी का लिगैंड है। चलिए आगे देखते हैं, दिया है सम केस मेटल डज नॉट लूज इलेक्ट्रॉन। लो भैया, कह रहा है कि कुछ केस ऐसे होते हैं जिसमें मेटल इलेक्ट्रॉन का, समझते रहिए भैया, कह रहा बेटा कि कुछ केस ऐसे होते हैं जिसमें मेटल इलेक्ट्रॉन का लूज नहीं करता है, जैसे वो कौन कौन केस है। वो केस है पहला NiCO का होल फोर, एक पहला कंपाउंड ये है, दूसरा है FeCO का होल फाइव। इस टाइप के जो कंपाउंड मिलेंगे उसमें मेटल इलेक्ट्रॉन का लूज नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि जो लिगैंड होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं। लिगैंड क्या होते हैं बच्चों? न्यूट्रल। तो आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। आप जल्दी से वीडियो को पॉज करके नोट करें, फिर चलते हैं आगे, जल्दी नोट करें। ओके बच्चों, तो अब हम एक काम करने चल रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, उतना पढ़ने के बाद अब हम देखते हैं उसी में ही फर्स्ट पॉइंट में आता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैसे निकालते हैं। जो हम लोग बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ रहे हैं उसी के फर्स्ट पॉइंट में ही आता है EAN निकालना। EAN का मतलब है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। क्या मतलब होता है बच्चों? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को अच्छे से देखो, क्या होता है इसका मतलब? होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो EAN का मतलब देखो, E से इफेक्टिव, A से एटॉमिक, N से नंबर, तो हुआ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। कभी भी किसी भी मेटल या किसी का आपको इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना हो, ठीक है, चाहे कोई मेटल या नॉन मेटल, किसी का इफेक्टिव एटॉमिक, वैसे इस मेटल का ही निकाला जाता है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर मोस्टली मेटल का ही निकाला जाता है, तो आपको ध्यान देना है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का मतलब हुआ कि EAN, कहीं भी लिखा रहेगा EAN तो नोट रहेगा, EAN का मतलब होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। E से इफेक्टिव, A से एटॉमिक, N से नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का एक फार्मूला होता है, इसको आप अंडरलाइन कर लें जरूर, ये है फार्मूला इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का, और अच्छे से देख लें। ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का फार्मूला होता है जेड माइनस एक्स प्लस सी डॉट, एन का मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर, इनटू टू। खूब अच्छे से नोट करें, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इक्वल टू जेड माइनस एक्स प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर इनटू टू। मैंने नीचे नोट भी किया है, इसको कहेंगे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, EAN को इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, जेड को कहते हैं एटॉमिक नंबर ऑफ CM में। जेड को क्या बोलते हैं बेटा? एटॉमिक जेड। एक देखो यहां भी जो जेड है ये एटॉमिक नंबर को इंडिकेट करता है, एटॉमिक नंबर किसके? एटॉमिक नंबर को, सेंट्रल मेटल एटम के। तो यहां पे आप नोट करेंगे EAN का मतलब हुआ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, जेड को कहेंगे एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, CMA में सेंट्रल मेटल एटम। यक्स को कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, यक्स के स्थान पर रखना होगा। देखो बहुत सिंपल है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना, किसी मेटल का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना बहुत सिंपल है। कैसे? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इक्वल टू जेड माइनस एक्स प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर इनटू टू। क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर इनटू टू। फिर सुनो, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, कभी कोई पूछे इसका, इस मेटल का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बताओ, तो कुछ नहीं है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इक्वल टू जेड माइनस एक्स, समझ में आ रहा, प्लस करो कोऑर्डिनेशन नंबर इनटू टू, बस आ जाएगा। तो चलो भैया, जेड माइनस एक्स, जेड को कहेंगे एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, जेड के स्थान पे लिखेंगे सेंट्रल मेटल एटम का एटॉमिक नंबर, एक्स के स्थान पे सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या लिखेंगे? ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब उसकी वैलेंसी चार्ज। तो बेटा जेड के स्थान पे एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, एक्स के स्थान पे लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ CMA, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ CMA का मतलब ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, कितना चार्ज है। इसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर, कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है, इनटू टू, ठीक है। अब देखो ये तो ठीक है, हमें इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने में दिक्कत नहीं होगी। कैसे? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का पहले फार्मूला रख लो, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इक्वल टू EAN इक्वल टू जेड माइनस एक्स प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर इनटू टू। तो भैया जेड को कहेंगे एटॉमिक नंबर ऑफ CMA, सेंट्रल मेटल एटम का एटॉमिक नंबर, यहां नोट करो, एक्स के स्थान पे उस सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर की वैलेंसी कितनी है, चार्ज कितना है, ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, यहां नोट करो, कोऑर्डिनेशन नंबर इनटू टू करो, आ जाएगा उस मेटल का इफेक्टिव, उस मेटल या जिसका निकाले हो उसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर।
लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत होती है कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने में। ये सब तो बहुत सिंपल है, कोई मेटल दिया, एटॉमिक नंबर नोट कर दिया, उसकी बैलेंस ही नोट कर दी है, इसमें दिक्कत नहीं। दिक्कत कोऑर्डिनेशन नंबर में होती है, कैसे निकालेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने का एक फार्मूला है बेटा, यहाँ पे नीचे नोट है, कोऑर्डिनेशन नंबर सी डॉट एन, इसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। तो भैया कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने का फार्मूला है, कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू एल इनटू डी, इसको नोट कर लेना अच्छे से, रट भी लेना। कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू एल इनटू डी, एल क्या है लिगेंड है, डी क्या है डेंसिटी है, एल क्या है लिगेंड है, डी क्या है डेंसिटी है। डेंसिटी मतलब परेशान मत होना, डेंसिटी कैसे निकालेंगे, डेंसिटी का मतलब क्या होता है मैं बता रहा हूँ। डेंसिटी का मतलब यहाँ नोट है, डेंसिटी मीन्स टाइप ऑफ लिगेंड, डेंसिटी का मतलब है कि लिगेंड किस टाइप का है। मोनोडेंटेट है, मोनोडेंटेट होगा तो सेंट्रल मेटल एटम से वन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। डाइडेंटेट लिगेंड आपका अगर है तो सेंट्रल मेटल एटम से टू कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। पॉलीडेंटेट लिगेंड है तो सेंट्रल मेटल एटम से थ्री कोऑर्डिनेट, फोर कोऑर्डिनेट, फाइव कोऑर्डिनेट, सिक्स कोऑर्डिनेट, जो भी बनाएगा। समझ में आ रहा बेटा, बहुत सिंपल है यार। कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने का फार्मूला होगा एल इनटू डी, एल का मतलब आप लिगेंड लिखेंगे, डी के स्थान पर डेंसिटी, डेंसिटी का मतलब लिखेंगे डेंसिटी मीन्स किस टाइप का लिगेंड है, मोनोडेंटेट है, डाइडेंटेट है कि पॉलीडेंटेट लिगेंड है। सो आई होप आपको इफेक्टिव एटॉमिक नंबर समझ में आया, इसका एग्जांपल मैं बताने चल रहा हूँ, आप जल्दी से देखेंगे। पहले आप जल्दी से इतना पॉज करके नोट करें, फिर मैं एग्जांपल नोट करता हूँ, जल्दी नोट करें। ओके बेटा, अब हम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैसे निकाला जाता है उसको देखने चल रहे हैं। तो देखिए आप पहले फार्मूला नोट कर लो, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इक्वल टू जेड माइनस एक्स, कोऑर्डिनेशन नंबर इनटू टू, रट लीजिए एकदम, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इक्वल टू जेड माइनस एक्स प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर इनटू टू, ठीक है। जेड क्या है, जेड क्या है एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। एक्स क्या है बैलेंसी ऑफ सेंट्रल मेटल एटम या ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। सी क्या है, सी एल क्या है कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू होता है एल इनटू डी। एल क्या है नंबर ऑफ लिगेंड, ठीक है, कितने नंबर ऑफ लिगेंड है जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, इनटू टू, ठीक। इनटू क्या है, देखो इनटू डी, डी मतलब डेंसिटी, डेंसिटी का मतलब कैसा लिगेंड है, मोनोडेंटेट है, डाइडेंटेट है, पॉलीडेंटेट है। चलिए हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग निकालेंगे। सपोज करिए कि एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ और कह रहा हूँ कि एग्जांपल है बेटा, इसमें स्क्वायर ब्रैकेट के इनर साइड में कोबाल्ट है, सेंट्रल मेटल एटम है, ये लिगेंड है, ये लिगेंड है, तो ध्यान दीजिएगा ये क्या है, ये है सेंट्रल मेटल एटम, ये क्या है लिगेंड है, और ये लिगेंड सेकेंडरी वैलेंसी का है, ये लिगेंड सेकेंडरी वैलेंसी का है, और ये लिगेंड ये भी है लेकिन ये प्राइमरी वैलेंसी का है। किसका है, ये प्राइमरी वैलेंसी का लिगेंड है। तो ध्यान दीजिए, जब मैं आपको 20 बार बताया हूँ बेटा कि सेंट्रल मेटल एटम से, ध्यान दीजिएगा, और कई बार बता चुका हूँ लेकिन जो बच्चे नहीं जानते वो लोग फिर से देख लें, सेंट्रल मेटल एटम से कौन कौन लिगेंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, कौन कौन नहीं बनाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सेंट्रल मेटल एटम से स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर का जो लिगेंड है वो केवल आयनिक बॉन्ड बनाता है, कौन बनाता है आयनिक बॉन्ड, ये बर्नर्ड साहब बताए थे। और जो बच्चों को समझ ना आया हो लेक्चर नंबर सेकंड को देखें, थर्मोडायनेमिक लेक्चर नंबर सेकंड बाई अनिरुद्ध शुक्ला सर, नाम सही डालेंगे। इसके बाद मैं बता रहा हूँ स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर का लिगेंड है तो सेंट्रल मेटल एटम के साथ केवल आयनिक बनाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर का लिगेंड है तो अंदर वाला ही लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, ठीक है। ध्यान दीजिए, अंदर का लिगेंड वही कोऑर्डिनेट बनाता है, बाहर का केवल आयनिक बनाता है। इसका मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए हमें बाहर वाले लिगेंड से कोई मतलब नहीं, अंदर वाले से मतलब। तो चलिए ठीक है, अब हम आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं बेटा, एक कंपाउंड मैंने आपको दिया CONH3 का होल 6 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, बाहर में CL3, मैंने पूछा आपसे बताओ इसमें कोबाल्ट का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या है। तो आप कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है, सेंट्रल मेटल एटम का पूछ रहा है, तो एक काम कर लो, फार्मूला लगाओ, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इक्वल टू जेड माइनस एक्स प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर इनटू टू, हो गया। तो देखिए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इक्वल टू, अब कोबाल्ट का आपको मालूम होगा कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता 27, कितना होता 27, तो जेड के स्थान पे एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, जेड का मतलब होता है एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, तो सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 है, माइनस है माइनस लगाओ। एक्स का मतलब क्या है कि बैलेंसी ऑफ या ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर +3 होता है, कितना होता है +3 नोट कर लो।
तो यहाँ पे आप यक्ष के स्थान पे प्लस 3 नोट कर लिए, प्लस करो कोऑर्डिनेशन नंबर इंटू 2। कोऑर्डिनेशन के नंबर का मतलब मैं समझाना चाह रहा हूँ, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब ये हुआ कितने लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम से कोऑर्डिनेट बना रहे हैं, जितने टोटल बना रहे हैं उन्हीं को कर दो कोऑर्डिनेशन नंबर के प्लेस पे। तो भैया NS3 कितना है, एक NS3 1 NS3 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा विद सेंट्रल मेटल एटम के साथ, 1 NS3 1 NS3 कोबाल्ट के साथ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। लेकिन NS3 यदि 6 है तो 6 NS, जैसे यहां पे 1 NS3 एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड CO के साथ कोबाल्ट के साथ, लेकिन अगर 2 NS3 तो 2 कोऑर्डिनेट, लेकिन बेटा NS3 का होल 6 है, इसका मतलब 6 NS3 है, 6 NS3 CO के साथ 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, कितना 6 कोऑर्डिनेट। तो यहां दिया है कोऑर्डिनेशन नंबर, तो जितना कोई भी लिगेंड, सारे लिगेंड मिलकर बहुत सारे, चाहे जितना दिया हो, एक दिया हो, 10 चाहे जो दिया हो, जितने लिगेंड स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हैं उस सारे लिगेंड को काउंट कर लो, उतना कोऑर्डिनेट बॉन्ड सेंट्रल मेटल एटम से बनेगा, और जितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड सेंट्रल मेटल एटम से बनेगा उतने ही कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं, जितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड उतने कोऑर्डिनेशन नंबर। तो भैया यहां पे NS3 का होल 6 है, ये तो बनाएगा नहीं क्योंकि आयनिक बॉन्ड बनाएगा, और ये अंदर का कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, और NS3 1 बनाता है तो 6 NS3 6 बनाएगा। तो कोऑर्डिनेट, जितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा उतना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, तो 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा सेंट्रल मेटल एटम से, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर के प्लेस पे 6 करो, इनटू 2 है 2 करो। अब देखो 6 2 12, और ये माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस, 27 12 मिलके 39, माइनस 3 करो 36, तो 36 आया। तो जो आता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर वो नियरेस्ट नोबल गैस के नियरेस्ट पहुंच जाता है, या आप कहें कि नोबल गैस को पा जाता है, किसको पा जाता है, नॉट नोबल गैसेस, इनर्ट गैसेस। ठीक है, नोबल तो भाई हेलोजन फैमिली को कहा जाता है, क्लोरोफ्लोरो ना, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टेटाइन टेनेसाइन, ठीक है, तो ये सब आ जाते हैं नोबल गैस में। तो ध्यान देना है हमको, आपको कहने का सेंस मैं ये बता रहा हूँ बेटा कि जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर किसी सेंट्रल मेटल एटम का निकाला जाता है वो इनर्ट गैस को पा जाता है, किसको पा जाता है, इनर्ट गैस को। सो आई होप आपको ये बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। नीचे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की कुछ बारे में लिखा है इसके डिफिनेशन टाइप में, तो आप जल्दी से मैं पढ़ दे रहा हूँ, आप नोट भी कर लीजिएगा, समझ में भी आ गया होगा। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या है, द सम ऑफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाई ऑल लिगेंड्स एंड दोज प्रेजेंट ऑन द सेंट्रल मेटल एटम मींस M में इन कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड EAN means effective atomic number। नीचे दिया है generally effective atomic number of central metal atom will be equal to the number of electrons in the nearest noble gases। मतलब जो effective atomic number आता है वो noble gases के nearest होगा या noble gas को पा जाता है। तो बेटा मैंने खूब अच्छे समझाया पहला पॉइंट, आप जल्दी से पॉज करके नोट करें, इसके बाद मैं नोट करने चल रहा हूँ पॉइंट नंबर सेकंड, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का पॉइंट नंबर सेकंड, जल्दी से नोट करें इसको। ओके बच्चों, अब हम पॉइंट नंबर सेकंड को डिस्कस करेंगे, फर्स्ट को डिस्कस कर लिया, पॉइंट नंबर सेकंड को तो थोड़ा सा जल्दी से करें क्योंकि वीडियो बड़ा हो रहा है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ जल्दी जल्दी फिनिश करूँ, और जल्दी से देखिए आप पॉइंट नंबर सेकंड पे है, सेंट्रल मेटल एटम और आयन मेक्स अवेलेबल और नंबर ऑफ एम्प्टी sp and d। देखो यहाँ पर f नहीं इंक्लूड किया जाता बेटा, यहाँ पे केवल 3 ऑर्बिटल इंक्लूड किया जाएगा sp df, क्योंकि मोस्टली जो मेटल होते हैं वह डी ब्लॉक के होते हैं, तो ध्यान देना है। इसीलिए सेकंड नंबर पॉइंट पे cm में सेंट्रल मेटल एटम और आयन मेक्स अवेलेबल और नंबर ऑफ एम्प्टी sp and d ऑर्बिटल्स इक्वल टू इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर, कितना बढ़िया बता रहा है। जैसे एग्जांपल हमने लिया स्क्वायर ब्रैकेट इनर साइड में एनआई सीओ का होल 4, तो सीओ एक न्यूट्रल लिगेंड है, ठीक है, सीओ एक न्यूट्रल लिगेंड है, यहाँ एनआई की वैलेंसी होगी 0, एनआई अगर एक्स मान के कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं ऑक्सीडेशन नंबर एनआई का निकाला जाए तो 0 आएगा। तो एनआई इन ब्रैकेट सीओ का होल 4, इसमें क्या है, इसमें बता रहा है कि निकल हैज 4 वैकेंट ऑर्बिटल, एनआई सीओ के होल 4 में निकल 4 वैकेंट ऑर्बिटल रखता है, ठीक है, ऑर्बिटल रखता है, सो विच मेक 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद सीओ, इसीलिए वो कार्बोनिल सीओ से निकल 4
कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। ये बता रहा है बेटा कि NiCO के होल फोर में जो निकल है वो फोर वैकेंट ऑर्बिटल रखता है, जिसकी वजह से वो CO मीन्स कार्बोनिल ग्रुप के साथ फोर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। ये हो गया। आगे दूसरा कंपाउंड है CONH3 का होल सिक्स, बाहर CO3 है। इसमें कह रहा है कि पहले तरह इसमें भी सिमिलरली कोबाल्ट हैज सिक्स वैकेंट ऑर्बिटल, इसमें कोबाल्ट भी सिक्स वैकेंट ऑर्बिटल रखता है एंड विच मेक अ सिक्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद NH3। बात समझिएगा बच्चों, यहां समझने की बात यह है कि अंदर में जितने लिगेंड हैं, इसका मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के इनर साइड में जितने लिगेंड आते हैं, ठीक है, जितने भी लिगेंड आएंगे स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर, नहीं स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर की बात नहीं हो रही, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में जितने अंदर में लिगेंड आएंगे, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब बड़ा ब्रैकेट के अंदर में जितने लिगेंड आएंगे, तो जान लिया करो कि जितने लिगेंड हैं, जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा, उतना उस सेंट्रल मेटल एटम में उतने ऑर्बिटल वैकेंट है। वही ये बताना चाह रहा, जैसे NI में नहीं बताया, देखो फोर CO थे, इसका मतलब NI है फोर वैकेंट ऑर्बिटल, जितने लिगेंड उतने वैकेंट ऑर्बिटल, अंदर में जितने लिगेंड है उतना सेंट्रल मेटल वैकेंट ऑर्बिटल रखता है और उतने के ही साथ वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। निकल है फोर वैकेंट ऑर्बिटल, सो बीच में फोर कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद CO। अब इसमें देखो बाहर से लिगेंड से मतलब है नहीं, क्योंकि वो आयनिक बनाता है, अंदर वाले लिगेंड से मतलब है, तो अंदर में NH3 कितने हैं, सिक्स है, सिक्स NH3 है, इसका मतलब CO सिक्स वैकेंट ऑर्बिटल रखता है और NH3 के साथ सिक्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देता है। तो भैया हम लोग यहां तक पढ़ लिए, हम लोग पॉइंट नंबर थर्ड पे चल रहे हैं, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी हम लोग पढ़ रहे हैं, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के पॉइंट नंबर थर्ड बैलेंस बॉन्ड थ्योरी बताता है कि वैकेंट ऑर्बिटल्स ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन बाई हाइब्रिडाइज टूगेदर टू फॉर्म इक्वल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इसका मतलब मैं समझा रहा हूँ, पहले आप इतना वीडियो को पॉज करके जल्दी नोट करें, तब मैं इसका मतलब एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जल्दी से बेटा पॉज करके नोट करें इतना, ओके बेटा। तो चलिए ठीक है, जो हमने अभी पॉइंट लिखा उस पर हम लोग कैसे हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं उसको हम लोग देखने चल रहे हैं बेटा। तो देखिएगा हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, पहले हमने एक एग्जांपल लिया है, जैसे स्क्वायर ब्रैकेट के इनर साइड में CO NH3 का होल सिक्स, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज CL3 है। तो हमें सपोज करिए कि इसमें चेक करना है कि हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, ये कंपाउंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बना रहा है कि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बना रहा है, ठीक है। तो ये सब जो हम लोग प्रॉपर्टी पढ़े उसके अकॉर्डिंग बढ़िया से करेंगे, खूब अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए सबसे पहले क्या काम करेंगे, सबसे पहले ये सेंट्रल मेटल एटम को नोट कर लेंगे और इस सेंट्रल मेटल एटम का यहाँ पे एटॉमिक नंबर नोट कर लिए, लो भैया एटॉमिक नंबर। अब इस सेंट्रल मेटल एटम का एटॉमिक नंबर 27 है कोबाल्ट का, और कॉन्फिगरेशन करेंगे तो होगा 2 8 2, करो जो बचा बीच में 15 बचा बीच में। डी ब्लॉक में देखिए, डी ब्लॉक में भी कहानी बाद में बता दूंगा मैं। डी ब्लॉक में फोर सीरीज है, पहली जो सीरीज नाम है 3D सीरीज, दूसरी नाम 4D, 5D, 6D, इसको एक नाम से और जानते हैं डी ब्लॉक में। भाई डी ब्लॉक में टोटल 40 मेटल है, तो प्रत्येक उसमें जो मेटल है 40 वो फोर सीरीज में डिवाइड है। एक पहली सीरीज जिसका नाम है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, जो स्टार्ट है स्कैंडियम 21 से जिंक 30 तक, दूसरा है स्टार्ट है आपका एट्रियम 39 से कैडमियम 48 तक, एसएन लैंथनम 57 से मरकरी जो भी है आगे। तो कहने का सेंस ये है कि बच्चों फोर सीरीज है एंड ईच सीरीज कंटेन 10 एलिमेंट, प्रत्येक सीरीज में 10 एलिमेंट। पहले सीरीज का नाम है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, इसको एक जैसे हम डी ब्लॉक पढ़ेंगे तो उसमें जो पहली सीरीज होगी उसको बोलते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, उसका एक नाम और है 3D सीरीज। क्या नाम बेटा? 3D सीरीज। दूसरा जो नाम है सेकंड ट्रांजिशन सीरीज को एक नाम से और जानते हैं 4D सीरीज। ऐसे अगला है थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, उसको एक नाम से और जानते हैं 5D सीरीज, और एक और है लास्ट में फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज, उसको एक नाम से और जानते हैं 6D सीरीज। तो बच्चों ये है, तो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 है, कॉन्फिगरेशन 2 8 15 2 है। इसका कैसे 1s2 2s2 करेंगे मैं आपको तरीका बता दे रहा हूँ, ध्यान दीजिए, मैं आपको बना के भी दिखा दे रहा हूँ जिससे आप में कन्फ्यूजन ना हो। भाई नहीं, बच्चे सोचते हैं सर ऐसे छाटते हैं, देखो भाई
तो इसके ऊपर जब आप ऐसे कॉन्फ़िगरेशन, ये जो कॉन्फ़िगरेशन है अकॉर्डिंग टू सेल, देखो केमिस्ट्री में कॉन्फ़िगरेशन भी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी दो तरीके से किया जाता है, एक होता है नंबर ऑफ सेल के अकॉर्डिंग, एक होता है नंबर ऑफ सबसेल के अकॉर्डिंग। तो ये है नंबर ऑफ सेल के अकॉर्डिंग, सबसेल के अकॉर्डिंग ऐसे करते हैं, इसी के ऊपर टोटल कितने सबसेल हैं, टोटल 4 सबसेल हैं, कौन कौन, यस पी डी एफ, तो वही आप सबसे पहले यस नोट करो, यस के बाद पी आएगा, लेकिन अगले जब देखो पहले भी यस, अगले बढ़ोगे तो एक और बढ़ जाएगा, तो यस पी हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, यस पी, अगले में जाओगे तो एक और बढ़ जाएगा यस पी डी, अगले में जाओगे तो एक और बढ़ जाएगा यस पी डी एफ। अब इसमें इसके ऊपर 1 लिखो, इसके ऊपर 2, इसके ऊपर 3, इसके ऊपर 4, कैसे करेंगे, 1 यस है लिखो 1 यस 2 कॉमा 2 के नीचे 2 है यस पी, तो लिखेंगे 2 यस 2 पी, 8 इलेक्ट्रॉन है इसमें 2 पी में 6 कॉमा 2, 3 के नीचे 3 यस पी डी है लिखेंगे 3 यस 3 पी 3 डी, 15 को डिवाइड करो तीनों में, यस में 2 पी में 6, 6 टू 8 हो गया 7 बचा, तो डी में 7। अब देखो 4 यस के आगे 4 यस है, 4 पी 4 डी 4, तो आप भी लिख लो 4 यस 4 पी 4 डी 4 एफ, यस में 2 है बाकी सब में 0 इलेक्ट्रॉन है। देखो इतना 0 को छोड़ दो, यहां से यहां तक नोट कर लो, इसी को मैंने यहां पे, अब देखो यहां से यहां तक मतलब 3d7 से लेकर 4p0 तक बाकी सब छोड़ दो, ठीक है। तो हमने क्या काम किया, इसी को मैंने इतना उठा लिया, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं, इसका कोई मतलब नहीं है, इतने का ही मतलब है। तो देखो यहां से मैंने नोट किया 3d4s4p, 3d4s4p, तो 3d में 7 है, 4s में 2 है, 4p पे 0 है, तो d का मतलब आप एक चीज रट लो, क्या रटेंगे आप ध्यान से देखेंगे, एक चीज ध्यान देना हमेशा आपको, यस में मैक्सिमम 1 ऑर्बिटल होता है, जैसे ट्रिक है इसको रटने का, पहले लिख लो यस पी डी एफ, कैसे जानेंगे किस, कैसे आप समझेंगे किस में कितने ऑर्बिटल होते हैं। अच्छा बच्चों एक काम करो, इतना आप नोट कर लो पॉज करके, तो इसी में मैं समझा दूंगा, जल्दी से इतना पॉज करके नोट करें, जल्दी से नोट करें पॉज करके भाई, मैं ऊपर का इरेज कर रहा हूँ, ये ऊपर का इरेज कर रहा हूँ, और यही आपको मैं समझाने वाला हूँ, आप देखिएगा जल्दी से, यही मैं आपको समझाने वाला हूँ, तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, पहले आप नोट कर लीजिएगा एस पी डी एफ, ठीक है। अब यहाँ पे होगा नंबर ऑफ ऑर्बिटल, ऑर्बिटल यस के नीचे लगातार, देखो पहले सबसेल लिखो, यहाँ ऊपर रहेगा सबसेल, टोटल सबसेल एस पी डी एफ में 4 है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल कैसे पहचानेंगे, तो लगातार 4 ऑड नंबर लिखो, 4 ऑड नंबर, ऑड नंबर है 1, 3, 5, 7, इसका मतलब यस सबसेल में 1 ऑर्बिटल, पी सबसेल में 3 ऑर्बिटल, डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल, एफ सबसेल में 7 ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन अगर जानना है कि सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो उनके लिए एक काम करो, जितने सबसेल उसका डबल इलेक्ट्रॉन, जैसे यस में 1 ऑर्बिटल है तो इसका डबल कितना होगा 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 3 ऑर्बिटल है तो इलेक्ट्रॉन डबल होगा 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 5 ऑर्बिटल है तो इलेक्ट्रॉन डबल होगा 10 इलेक्ट्रॉन, एफ में 7 है तो इलेक्ट्रॉन डबल होगा 14 इलेक्ट्रॉन। तो ये हमने कई चीज समझ लिया, टोटल देखो एक ट्रिक है बच्चों, एक ट्रिक है कि टोटल सबसेल नोट करो एस पी डी एफ, उसके नीचे लगातार 4 ऑड नंबर लिखो 1, 3, 5, 7, ये ऑड नंबर ही नंबर ऑफ ऑर्बिटल को बताता है, किसको बताता है बच्चों, नंबर ऑफ ऑर्बिटल को बताता है ये ऑड नंबर, यहाँ लिख लो नंबर ऑफ ऑर्बिटल, इसका मतलब हुआ यस सबसेल में 1 ऑर्बिटल, पी सबसेल में 3, डी में 5, एफ में 7। ऑर्बिटल का मतलब यहाँ समझने से है, ऑर्बिटल का मतलब यहाँ कोष्ठक से है ये डिब्बा, और एक चीज रख लो हमेशा के लिए, एक डिब्बे में मैक्सिमम, इस डिब्बे में मैक्सिमम केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बोलना नहीं, एक डिब्बे में मैक्सिमम इसका मतलब एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक प्लस हाफ, एक प्लस हाफ होगा और एक माइनस हाफ होगा, चलो यही मैं समझाना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पहले दे दिया डी, तो देख लो डी के नीचे 5 है, 5 ऑर्बिटल बनाओ 1, 2, 3, 4, 5, 5 डिब्बा एक साथ बनाओ, बना, डी में 7 इलेक्ट्रॉन, तो अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट हुंड रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या होता है, अब हाँ हुंड रूल नहीं है, अब वो प्रिंसिपल है द स्टेप वाइज प्लेसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है। तो ठीक है, अब बाउ और हुंड के अकॉर्डिंग आप देखेंगे, बहुत यार इतना, तो बच्चों ठीक है, कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से थोड़ी दिक्कत हुई, तो ठीक है चलिए हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे। यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे टोटल देखिएगा कि जैसे अभी भी मैं बता रहा था आपको सबसेल कितने हैं, जैसे कैसे आप जानेंगे सबसेल 4 है, एस पी डी एफ लगातार 4 और नंबर लिखो 1, 3, 5, 7, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल 1, 3, 5, 7। इलेक्ट्रॉन कैसे जानेंगे बेटा, जितने ऑर्बिटल उसका डबल इलेक्ट्रॉन,
ऑर्बिटल का मतलब कोष्ठक, ठीक है। तो यहाँ देखिए जैसे d है तो d के नीचे देखो 5 है, इसका मतलब 5 ऑर्बिटल, 5 ऑर्बिटल मतलब 5 कोष्ठक लगातार, 1 2 3 देखो ये 5 कोष्ठक हो गया कि नहीं। अब d में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट आपको मालूम है कि आप बाउ के अकॉर्डिंग आप देख लो, हुंड रूल इन सब के अकॉर्डिंग देखो, तो ये बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन को पहले सिंगली ऑक्युपाई करो। इलेक्ट्रॉन हुंड रूल क्या होता था कि इलेक्ट्रॉन को पहले सिंगली ऑक्युपाई करो ऑर्बिटल में। तो चलिए हुंड रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन को पहले हम सिंगली ऑक्युपाई करेंगे। सिंगली कैसे करेंगे देख लो भैया, सिंगली मतलब देखो पहले ये पहले ऐसे ऐसे हाफ हाफ सिंगली सब हो गया। अब देखो टोटल 7 है, 1 2 3 4 5 1 6 1 7 पहले सिंगली ऑक्युपाई करो, जो फुलफिल हो जाए तब डबल करना शुरू करो। तो आपका 3D हो गया। अब 4 यस है, तो यस में कितने ऑर्बिटल देखो, यस के नीचे 1 मतलब 1 कोष्ठक, 1 कोष्ठक। यस में 2 इलेक्ट्रॉन तो देखो एक प्लस हाफ एक माइनस हो गया, 4 यस। पी में 0 है, पी में कितने ऑर्बिटल, पी के नीचे 3 है, 3 ऑर्बिटल बनाओ 1 2 3। अब ये 4p है आपका, 4p 0 मतलब एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये तो हमने कोबाल्ट का निकाला, किसका निकाला बच्चों, कोबाल्ट का, ठीक है। अब हम निकालेंगे CO++ का। CO++ का मतलब हुआ कोबाल्ट में से 3+, कोबाल्ट के ऊपर 3+ का चार्ज है, इसका मतलब बेटा कोबाल्ट अपने अंदर से 3+ मीन्स हुआ 3 इलेक्ट्रॉन को निकाल चुका। कितने इलेक्ट्रॉन को, 3 इलेक्ट्रॉन को निकाल चुका। तो 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, 3 इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। कैसे निकालेगा बेटा, देखो निकालता है आउटर शेल से, तो यस में से यस के ऊपर यहाँ पहले क्या था 2 था, यहाँ क्या था 7 था। तो देखिएगा, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, पहले यस से 2 निकाल दिया तो 0 हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दिया तो 6 हो गया, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो हो जाएगा 3d6 4s0 4p0। इसका ऑर्बिटल कैसे बनेगा, d में 5 ऑर्बिटल और 6 इलेक्ट्रॉन दिखाओ, पहले सिंगली ऑक्युपाई करो फिर 1 6 कर दो, हो गया d, ये 3d6 हो गया। ये देखो 4s0 यस में 1 ऑर्बिटल, 0 मतलब एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, 4s हो गया। अब फिर 4p0 4p करो 0 करो मतलब एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये हमने CO++ का बना लिया। अब हम एक काम करते हैं, NH3 is a strong, अब हम देखते हैं, अब हम देखेंगे कि हमने जो कंपाउंड लिया था, अभी हमने कंपाउंड लिया था CONH3 का होल 6 स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर CO3, ये कंपाउंड था हमारा। अब देखिए बेटा हमको इसके बाद एक काम करना है, इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बाहर वाले लिगेंड से मतलब नहीं है, मतलब अंदर वाले लिगेंड से है। अंदर वाला लिगेंड हमारा किस टाइप का है, अंदर वाला लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है, वीक फील्ड है। अभी अभी मैंने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ाया था, उसमें बताया था कौन कौन स्ट्रॉन्ग कौन कौन वीक। लेकिन आप अभी अभी रट लो, क्या रटो, इसको आप पॉज करके नोट कर लो, ऊपर वाला यहाँ इतना मैं इरेज करने चल रहा हूँ, इतना इरेज करूंगा, जल्दी नोट करो, पॉज करके नोट करें, पॉज करके इतना नोट करें, पॉज करके बस पॉज करें, पॉज करें, ठीक है। तो इतना मैं इरेज करके यहाँ मैं आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ मैं आपको क्या समझा दे रहा हूँ कि देखो आप स्ट्रॉन्ग फील्ड को केवल याद कर लो, वीक याद हो जाएंगे। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, केवल स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड को याद करो, जल्दी से याद करो। मेन कौन कौन स्ट्रॉन्ग फील्ड मानते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड में आता है C2O4 माइनस आएगा, NH3 आएगा, CO आता है, EN आता है, ठीक है, और ठीक है, तो ये सभी एटसेट्रा कर दो, बस इतने मेन जानो, इतने सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में आते हैं। अगर ये कहीं दिख जाए जान लो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है वो इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग करता है, जो वीक फील्ड लिगेंड होता है वो इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग नहीं करता है। वीक फील्ड लिगेंड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा, मैंने अभी अभी पढ़ाया था आपको। तो ध्यान दीजिएगा, दिया है NH3 इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, भाई NH3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने के कारण वह इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग करेगा, विच काज पे विच कैन विच काजेस विच काजेस विच काज पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसके कारण इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, पेयरिंग होगी। तो एक काम कर लिया जाए, CO++ जो मैंने यहाँ निकाला इसको मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ। CO++ में देखो 3d6 ये जो बना हुआ है आप यहाँ नोट करो, मैंने नोट किया, और ये जो है इसके बाद में क्या है 4s, लो भैया 4s, इसके बाद क्या है 4p, लो भैया 4p, ये 0 ये 0। अब ध्यान देना आपको आपको क्या है, हमने इसको बना लिया। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने के कारण NH3 यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड होने के कारण ठीक है इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग करेगा। पेयरिंग करने का मतलब समझना, पेयरिंग करने का मतलब समझना बेटा, ये चीज मैंने यहाँ का चीज सेम यहाँ नोट किया है,
देखिएगा, ये बाहर का इलेक्ट्रॉन घूम के अंदर में आ जाएगा, पेयरिंग इससे कर लेगा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, पेयर हो जाएगा, और ये पेयरिंग करके इसमें आ जाएगा, इसके पेयरिंग कर देगा, तो पेयरिंग करके कुछ ऐसा बन जाएगा, भाई एक इलेक्ट्रॉन इसमें आया तो ये बना और एक इलेक्ट्रॉन इसमें आया तो ऐसे हो गया, ये दोनों वैकेंट हो गए, क्या हो गए, दोनों वैकेंट हो गए। इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ फोर एस पहले जीरो है, ये भी जीरो है। अब इस चीज को थोड़ा मैं यहाँ समझाना चाह रहा हूँ बच्चों, आप समझिएगा, इस चीज को यहाँ ऊपर नोट करूंगा, आप इतना जल्दी से पॉज करके नोट कर लें, जल्दी से पॉज करके नोट करें ऊपर वाला कि ये ठीक है। देखो अब हम एक काम करेंगे, कैसे यहाँ पे हम समझते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन होता है, इसको मैं नोट करना रहा हूँ। यहाँ पे देखते रहिएगा अच्छे से, कितना है 3D डी में से 5 होंगे और यस है, और पी है, पी में 3 होगा, ठीक है। तो ये है हमारा 3D 6 है, ये हमारा है 3D 6, ऊपर लिख दे रहा हूँ, ये 3D 6 है, ये अभी 4S 0 है और ये अभी 4P 0 है। तो भैया देख लो इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे आपको दिख रहे हैं। अब देखो, अब मैटर ये होता है कि हमारे पास कितने वैकेंट ऑर्बिटल हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 वैकेंट ऑर्बिटल, तो इसका नाम है 3D, लेकिन 3D में से कितना वैकेंट है, 2 वैकेंट है, इसको बोलते हैं D2। जैसे देखो भाई, ये हमारा D ऑर्बिटल है, ये हमारा S ऑर्बिटल, ये P ऑर्बिटल है, तो D में कितना वैकेंट ऑर्बिटल है, 2 वैकेंट है, तो यहां लिख दो D2। इसमें कितना वैकेंट है, 1 वैकेंट है, तो यस लिखो। इसमें 3 वैकेंट है, तो जाएगा 3 वैकेंट है, तो P3। यहां पे यस में 1 वैकेंट है, यस 1 कर दो, तो हाइब्रिडाइजेशन होगा डी से लेकर यस पे जाएगा, यस से लेकर पी पे जाएगा। तो हाइब्रिडाइजेशन का मतलब ये तीनों ऑर्बिटल ऐसे जुड़ जाएंगे, तीनों ऑर्बिटल आपस में से जुड़ेंगे तो हाइब्रिड मतलब संकरण करेंगे, जुड़ेंगे, अटैच होंगे बेटा। जब अटैच होंगे, कौन कौन अटैच होते हैं, अटैच होते हैं D2 मतलब जो इधर का वैकेंट, इधर का वैकेंट D2, इसके बाद S1 को आप S ही लिख सकते हो, तीनों वैकेंट है 1 2 3, तो P3, तो D2 SP3 ये तीनों अटैच हो जाएंगे, तो हाइब्रिडाइजेशन बन के तैयार हो जाएगा D2 SP3। क्या हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन होगा आपका D2 SP3, और जिसका हाइब्रिडाइजेशन D2 SP3 होगा वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। इसके बारे में भी मैं बताऊंगा कौन कैसा कॉम्प्लेक्स बनाता है, पहले आप इतना समझते रहो। इसके बाद मैं नीचे वाले प्रेस करूंगा, आप जल्दी से नीचे वाला पॉज करके नोट करें। अब देखेंगे बेटा हम लोग कि कैसे अब ये होगा। अब देखिएगा, अब एक काम करिए, जितने वैकेंट है उन्हीं को एक साथ नोट करो, हाइब्रिडाइजेशन आप करा रहे हो, ठीक है, तो तीनों को ऐड करो एक साथ, तो यहां 2 यहां पे हैं, इन दोनों को एक साथ नोट करो, लो भैया 1 यहां पे है इसको लगा लो, 3 यहां पे है, 3 यहां नोट कर लो, 1 2 3। अब देखो टोटल कितने वैकेंट, अब इसका नाम है, इसका नाम मैं ऊपर नोट कर दे, नीचे नोट कर रहा हूं D2 SP3। अब इसमें हाइब्रिडाइजेशन, हमारे पास टोटल लिगेंड कौन है, NS3 का होल 6 है जो कि सेकेंडरी लिगेंड है, और देखो NS3 अभी हमने स्ट्रक्चर जो बनाया था, आप देखे होंगे कि CONS3 का होल 6 CL3 यही है। अब ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, टोटल ये सेकेंडरी बैलेंस ही है, ये प्राइमरी आईडी बनाएगा, सेकेंडरी कोऑर्डिनेट बनाता है, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, जितने कोऑर्डिनेट बनाते हैं उन्हीं को ही यहाँ अटैच किया जाता है, ठीक है। हमारे पास टोटल NS3 6 है, तो लो भैया 1 NS3 में 1 लोन पेयर, तो 1 कोऑर्डिनेट बना दिया, 1 को फिलअप कर दिया, 1 NS3 दूसरा, फिर इसको मेंटेन किया ऐसे, इसको ये मेंटेन कर देगा भैया, ऐसे सभी मेंटेन करते जाएंगे, ये 6 NS3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड देखो कैसे बना रहे हैं, ऐसे बना रहे हैं, ये हमारा हो जाता है हाइब्रिड ऑर्बिटल, इसको बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। इस प्रकार से हम लोग ज्योमेट्री और हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। तो बच्चों ये वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, हम लोग पॉइंट कितना पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया, हम लोगों ने 3 पॉइंट बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है, हम लोगों ने 3 पॉइंट को अच्छे से डिस्कस किया है। अब 4th पॉइंट को हम नेक्स्ट लेक्चर में लेके आएंगे, तब तक के लिए घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। ओके बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, द वेरी बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू।